डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश गुरुजी, आई एम महेश यादव। तो बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज हम आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में पोएम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे डील करें ये सीखेंगे। ज्यादातर मैंने देखा है कि जब बात पोएम्स की आती है तो बच्चे कहते हैं अरे यार पोएम्स ही तो है, सब देख लेंगे। बट ध्यान रखना, एग्जामिनर आपकी कॉपी में एक एक आंसर को जज करता है, उसे प्रत्येक आंसर सटीक चाहिए, अच्छे तरीके से लिखा हुआ मिलना चाहिए। तो पोएम्स के बारे में कुछ टिप्स है। और हाँ, चाहे आप 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, किसी भी बोर्ड से हैं, पोएम्स के क्वेश्चन लगभग सेम ही है। किसी किसी बोर्ड में एक्सट्रैक्ट आता है, उसमें से आंसर निकलवाता है, कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन आती है, और क्वेश्चन आंसर तो आते ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपका जो 10-12 मार्क्स के पोएम्स के क्वेश्चन है उनमें फुल मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो देखिए, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हैं लेकिन पोएम्स के क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग एक जैसा ही है, यानी क्वेश्चन आंसर तो आएंगे ही, लेकिन किसी किसी बोर्ड में, जैसे माना कि एक स्टैंजा दिया, एक 4 लाइन दे दी किसी पोएम में से उठा के, अब इनमें से ये एक्सट्रैक्ट हो गया और इस एक्सट्रैक्ट में से वो कुछ क्वेश्चन देगा, 1, 2 अथवा 3 क्वेश्चन देगा, आंसर इसी के अंदर है, वो आपको निकालने हैं, या फिर क्वेश्चन नहीं देगा, वो एक्सप्लेनेशन करवाएगा, व्याख्या करवाएगा, जो 4 लाइन दी, जो स्टैंजा दिया उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन उसकी करवाता है। तो पहले अपन एक एक्सट्रैक्ट में से आंसर कैसे दे ये सीखेंगे, और बाद में एक्सप्लेनेशन अगर करवाए तो उसको किस तरह से लिखते हैं ये सीखेंगे, और बाद में क्वेश्चन आंसर कैसे देते हैं ये सीखेंगे, और बाद में फिर कुछ और टिप्स। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, सारी बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर एक एक्सट्रैक्ट आए, ठीक है, ऐसे 4 लाइन दे दी, स्टैंजा दे दिया और उसमें से कुछ क्वेश्चन दे, तो उनका आंसर किस तरह से दे। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, 2-3 क्वेश्चन है, 4 ही लाइन तो है, आंसर इसी के अंदर है, फट से निकाल देंगे, ऐसा तो अनसीन पैसेज में भी करते हैं। पर ध्यान रखना, बोर्ड में इतने सरल क्वेश्चन वो नहीं देता है। और ध्यान रखना कि आंसर तो है, आप निकाल भी दोगे, बट एक एग्जामिनर को परफेक्ट आंसर चाहिए, और जो बच्चा परफेक्ट आंसर देता है एक एग्जामिनर उसी से खुश होता है, उसी की कॉपी में आगे अच्छी मार्किंग होती है। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं कोई पेच है, कोई बात है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई आपको समझानी है। तो देखिए, मैंने 4 लाइन दी, अब आप ये मत कहना सर आपने हमारे सिलेबस में से क्यों नहीं दी, ये तो मैंने कहीं से भी उठा ली, बस आपको समझाने के लिए कि एक परफेक्ट आंसर देने का तरीका क्या है। जैसे माई मदर एट 66 एक पोएम है, फेमस पोएम है, जिसको कमला दास ने लिखा है। और हाँ, एक बात और बताऊं आपको, शुरू में बता दूं, आपके सिलेबस में जो भी पोएम्स हैं उन सभी के पोएम्स के नेम और उनके पोएट के नेम, यानी जिन्होंने लिखा, कवियों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जब आप क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताऊंगा उसमें भी अगर आप कवि का जिक्र करें, पोएट का जिक्र करें तो अच्छा रहता है। ये बात अभी बाद में आगे आ जाएगी, फिलहाल आप इसको देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए टू कोचिन, कोचिन के लिए, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग, सुबह में, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरे बगल में डोज, अब डोज को फिलहाल आप गायब रहने दो, नहीं बताऊंगा, ठीक है। व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग, कवि की माँ क्या कर रही थी, ठीक है। तो आप फटाफट देख रहे हो ड्राइविंग फ्रॉम, अच्छा मदर कहाँ, यहाँ पे, तो आप लिखोगे आई सा माई मदर, मतलब आप तो नहीं, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे लिखेंगे आई सा माई मदर, यार आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज, तो मैंने, वो कह रहा है कि कवि की माँ क्या कर रही थी, आप कह रहे हो आई सा, मैंने मेरी माँ को डोज ऊंगते हुए, बता दो यार ऊंगते हुए देखा, डोज का होता है ऊंगना, ठीक है, मैंने मेरी माँ को ऊंगते हुए देखा। वो कह रहा है कवि की माँ क्या कर रही थी, आप कह रहे हो मैंने मेरी माँ को, यानी वो आपके ऊपर आ गया, अच्छा आप थोड़ा प्रोनाउन भी चेंज कर देते हो, तो ही सा हिज मदर, ही सा हिज मदर, हर मदर, सॉरी, बिसाइड हिम, बिसाइड हर डोज, आप ऐसे लिख देते हो तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन सटीक आंसर नहीं है। सटीक आंसर वो है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप आंसर दो, और वो होगी आंसर द पोएट्स मदर वाज, अब देखिए डोज का होता है ऊंगना, हल्की झपकी लेना, लेकिन अगर आप या तो लिखो डोजिंग, ऊंग रही थी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अच्छा इफेक्ट देने के लिए, वाज स्लीपिंग, ठीक है, कवियत्री की माँ, कवि की माँ वाज स्लीपिंग, सो रही थी, या वाज डोजिंग, ऊंग रही थी। अब ये जो लाइन है ना, ये इसके अंदर नहीं है, ये आपने बनाई, इसलिए परफेक्ट आंसर है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपको यही समझना है कि जो पूछे उसको उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में सटीक उत्तर दो। तो पोएट्स मदर वाज स्लीपिंग,
कवि की माँ, कवियत्री की माँ सो रही थी। अच्छा, वेयर वॉज द पोएट गोइंग एंड विद होम, कवियत्री कहाँ जा रही थी एंड विद होम और किसके साथ, तो बताइए कहाँ जा रही थी, कोचिन जा रही थी, किसके साथ जा रही थी, मदर के साथ। अब बच्चे क्या करेंगे, थर्ड क्वालिटी के मतलब सबसे लोअर बच्चे, कमजोर बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जा रही थी। अच्छा, तो देखो ये आंसर यहाँ से आ गया, तो ये ऊपर वाली को होगा इसका, इन दोनों लाइनों को यहाँ पे लिख दिया। टीचर मार्क्स दे सकता है आपको 1/4 या 1/2 है ना, आधा मार्क्स। अगर एक का आया है तो 2 का आया तो आपको 1 देगा, हो सकता है नहीं दे, क्योंकि उसको परफेक्ट आंसर चाहिए। तो कहाँ जा रही थी, कोचिन जा रही थी। तो आप देखो इसी के लैंग्वेज में दो, द पोएट वाज गोइंग टू कोचिन विद हुम, किसके साथ, अब विद हुम देखो 2 क्वेश्चन कर दिए, कहां जा रही थी, किसके साथ जा रही थी, विद हर मदर। अब हर मदर इसमें कहीं नहीं आया, देखो भाई मदर आया आपने हर में चेंज किया, क्योंकि पोएट के लिए हर हो गया, विद हर मदर। और ये मैंने जो अनसीन पैसेज वाला वीडियो बनाया है उसमें बात बताई है कि जब भी आप किसी पैसेज में से आंसर निकाले तो आप फर्स्ट पर्सन आई माई मी को ही हिज हिम थर्ड पर्सन में चेंज करके लिखें, तभी वो उस नैरेटर पर जाती है बात, वरना अपने ऊपर आ जाती है। अगर मैं कहता ना द पोएट वाज गोइंग टू कोचिन विद माई मदर, माई मदर ले लिया विद माई मदर, तो कवियत्री जा रही थी मेरी माँ के साथ, अब यहाँ पर किस पे आ गया, ये मेरी माँ के ऊपर आ गया, उसकी माँ नहीं रही, इसलिए हमने इसको हर में चेंज किया। तो देखो ये काफी पेज है, यही परफेक्ट आंसर है, यही टीचर देखता है। टीचर आपके आंसर नहीं देखता, आपके इंग्लिश को देखता है, हर वीडियो में बताया मैंने। और कई बार जैसा कि अनसीन पैसेज में आता है, सिमिलर वर्ड पूछा जाता है या अपोजिट वर्ड, ऐसे इसमें भी आ सकता है, जैसे फाइंड द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, एक्सट्रैक्ट में से शब्द निकालिए, शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ होता है ए शॉर्ट एंड लाइट स्लीप, एक हल्की नींद, एक छोटी और हल्की नींद। तो जैसा कि मैंने अर्थ पहले आपको करवा दिया था, आप समझ गए होंगे डोज है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसका आंसर, डोज। ठीक है, तो इस तरह से दिख रहा होगा डोज, ये है, ठीक है। और अब हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन आती है, यानी व्याख्या आती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक स्टैंजा दिया जाता है, जैसे अभी स्टैंजा था उसको आप अपने दिमाग में मान लो कि यहां लिख रहा है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, और उसमें से क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्टैंजा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, दिए गए स्टैंजा की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप माना कि एक्सप्लेनेशन आपको आ गई, आपके ये सिलेबस में है, तो कैसे करते हैं उसका मैंने एक फिक्स फॉर्मेट बना दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप इसको नोट कर लेना, लेकिन पहले मैं समझा दूं कि कौन सी चीज कहां कैसे रखनी है। देखिए सबसे पहला आप लिखते हो रेफरेंस, रेफरेंस में आप लिखोगे द अबोव स्टैंजा, अबोव मतलब ऊपर दिया गया, द अबोव स्टैंजा हैज बीन टेकन, ऊपर दिया गया स्टैंजा जो कि आपको क्वेश्चन में आया, हैज बीन टेकन लिया गया है फ्रॉम द पोयम, कविता से, यहाँ पे आपको कविता का नाम लिखना पड़ेगा, पोयम का नाम लिखना पड़ेगा जिसमें से वो आया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सभी पोयम्स के नेम और पोएट के नेम याद होने चाहिए। तो फ्रॉम द पोयम, यहाँ पे पोयम का नाम जैसे अभी था तो माई मदर एट 66 वो आ जाता, कंपोज्ड बाई जिसकी रचना की गई बाई, अब यहाँ पर आपको कवि का नाम जिसके द्वारा वो कविता लिखी गई, जैसे माना कि वो अभी जो मैंने दिया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो कमला दास इसमें आ जाता। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, जिसका अर्थ होता है संदर्भ या प्रसंग, अर्थात दिया गया स्टैंजा में क्या प्रसंग है, क्या संदर्भ है, क्या बताया गया है। और ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, मात्र 2.5 लाइन का 2 लाइन का 1.5 लाइन का होता है। इसमें आपको देखो फिक्स वर्ड है, इन प्रेजेंट स्टैंजा, प्रस्तुत स्टैंजा में, अब प्रस्तुत कौन सा, जो ऊपर आपको क्वेश्चन में पूछा, तो प्रस्तुत स्टैंजा में द पोएट कवि, अब यहाँ पे आप कवि का नाम लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा फैक्ट आएगा। तो कवि हमारे स्टैंजा कौन चल रहा है, कमला दास। डेपिक्स, डेपिक्स मतलब चित्रित करती है, व्याख्या करती है, अबाउट बारे में, हर मदर अपनी माँ के बारे में कि माँ ऊंग रही थी, सो रही थी, एंड हर ट्रेवलिंग विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ यात्रा के बारे में। ठीक है, बस इतना काफी है, एनफ है, यानी आप इसमें जो मैंने लिखा जो फिक्स वर्ड है उनके बाद आप 8 से 10 वर्ड और लिख सकते हो, मतलब उसमें जो बताया गया उसको शॉर्ट में आप लिख दो। जैसे हम लेटर में लिखते हैं ना सब्जेक्ट किस विषय में, तो वो विषय वाली बात है ये, मतलब प्रसंग क्या चल रहा है, किस बारे में बताया जा रहा है, बस डिटेल नहीं करना, डिटेल करना हमको एक्सप्लेनेशन में। और ध्यान रखना इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के ही होते हैं, सबसे ज्यादा आपको इसमें लिखना है, मतलब ये 2 लाइन का, ये 2 लाइन का, लेकिन ये 8 से 10 लाइन का। तो देखिए एक्सप्लेनेशन आप कैसे शुरू करोगे, इन गिवन स्टैंजा, दिए गए स्टैंजा में, मैंने हर बार चीजों को चेंज किया है, यहां पर था अबव स्टैंजा, यहां पर प्रेजेंट स्टैंजा, और यहां पर गिवन स्टैंजा, इन गिवन स्टैंजा, दिए गए स्टैंजा में द पोएट, कवियत्री या कवि, इसमें तो कवियत्री है, द पोएट, अब यहां पे आप फिर से एक बार कवि का नाम लिख दो, कमला दास,
टेल्स अस, हमको बताती है अबाउट बारे में। अब व्याख्या में क्या करना है आपको, व्याख्या में जो लाइनें आपको दी गई हैं, जो स्टैंजा दिया गया है, उनमें जो बात चल रही है उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको कहना है। जैसे कि द पॉइंट जो कमला दास है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही है ट्रैवलिंग, उस कार नहीं ट्रैवलिंग बाई हर कार, अपनी कार के द्वारा ट्रैवल कर रही है, यात्रा कर रही है विद हर मदर, माँ के साथ, माँ जो कि बहुत वृद्धावस्था में बूढ़ी है और माँ जो उसके बगल में बैठी हुई है और सो रही है। मतलब इस तरह से आप वो जो चार लाइन दिए उनको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के थोड़ा विस्तार सहित, यानी व्याख्या आप कर रहे हो, उनको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रहे हो, थोड़ा बड़ा करके बता रहे हो, थोड़े उसमें छिपे हुए भावों को आप दे रहे हो, ये होती है व्याख्या। और सबसे ज्यादा वेटेज मैंने बताया यही लेती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो बहुत कम बच्चे यूज करते हैं लेकिन आपको करने चाहिए, क्रिटिकल कमेंट्स, आलोचनात्मक टिप्पणी, यानी उन स्टैंजा के अंदर कोई ऐसी विशेष बात है, खास बात है, तो आप उसको यहाँ पर अलग पॉइंट से इंगित कर सकते हो। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। जैसे दो पॉइंट तो मैं आपको फिक्स ही दे रहा हूं, देखिए, द लैंग्वेज इज इजी बट इफेक्टिव, भाषा सरल लेकिन प्रभावशाली है। मतलब आपने भाषा के बारे में बता दिया। देयर इज ए डीप मैसेज इन द स्टैंजा, स्टैंजा में गहरा मैसेज दिया गया है। सभी स्टैंजा में कोई ना कोई मैसेज होता है, तो बहुत गहरा मैसेज दिया गया है। आपको लगे कि काम तो आप ले सकते हो, मैं आपकी मदद ही कर रहा हूं, मतलब ये तो फिक्स है। और जो काम का है उसको मैंने नीचे लिया है, देखिए थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा आपको, ये द राइम स्कीम इज, और राइम स्कीम होती है तुकबंदी योजना, अर्थात कविता के जो लास्ट वर्ड है उनमें क्या साउंड की क्या सिमिलरिटी है, वो राइम स्कीम होती है इज। अब ए ए है, या देखो मान लो ए ए है तो आप ए ए बी बी ऐसे लिखो, ए ए बी बी, या फिर ए बी ए बी, इस तरह से। और अगर ये नहीं है तो आप लिखोगे द पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स, द पोयम इज रिटन इन द स्टैंजा, या पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स, ठीक है, मुक्त छंद में लिखी हुई है। अब ये राइम स्कीम आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि ए ए बी बी क्या होता है। देखिए ये ऐसा होता है, माना किसी कविता की लास्ट लाइन में ये आया बुक, ठीक है, और मतलब ये लाइन थी, यहां पे बुक आया और फिर अगली में आया टुक, ठीक है, तो बुक और टुक की ध्वनि एक जैसी है, बुक टुक सिमिलर है। अब माना बुक को हमने माना ए, जैसे गणित आप मैथ में मानते हो ना ए, तो फिर टुक को भी हम क्या मानेंगे, सेम है तो ए। और अगले में इसी स्टैंजा में तीसरी लाइन में आया जैसे फ्री, ठीक है, फ्री वर्ड आया, अब फ्री को माना हमने बी, ठीक है, और अगले में आया जैसे फ्री, अब फ्री से ट्री, तो फ्री और ट्री इनकी ध्वनि एक जैसी है तो ये भी हो गया बी। तो ये जो आपका स्टैंजा माना आया होता तो इसमें इसकी राइम स्कीम क्या होती, ए ए बी बी, आप यहां लिखते ए ए बी बी। अब माना कि ये ऐसे हो जाते, यहां पे होता फ्री और यहां पे होता टुक। अब देखो माना बुक फ्री टुक ट्री, ये इस तरह से आता, तो बुक को हमने माना ए, तो फिर टुक को फिर मानेंगे ए, तो ए यहां चला गया, फ्री को माना बी, तो ट्री को माना बी, तो ए बी ए बी। अब यहां पे क्या होता ए बी ए बी। और अगर ये नहीं है, ऐसा नहीं है, हर लाइन फ्री है, मतलब हर इसमें कुछ आ रहा है, बुक आ रहा है, इसमें प्ले आ रहा है, इसमें गो आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फ्री हो गया फ्री वर्स, द पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये बहुत काम की चीज है। अब आप चाहे तो भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे भले इसको पॉज करके लिख के नोट कर लो, बहुत काम का आपका ये एक फॉर्मेट है स्टैंजा का, ठीक है। और लास्ट पर है क्वेश्चन आंसर की बात, तो भाई ये तो आते ही है, और जहां तक मेरा अनुमान है कि चाहे आप किसी बोर्ड से हो, आपके कंपलसरी इंग्लिश में 4-5 पोएम होती है, 4-5 लास्ट, ठीक है, और 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं, उनमें से भी वो विकल्प और देता है कि 5 में से 4 कीजिए या 4 में से 3 कीजिए, एक आपको छोड़ना होता है। तो आप प्रत्येक पोएम में से, मतलब प्रत्येक पोएम में से क्वेश्चन आना ही है, तो आप याद कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह के ज्यादा आते हैं, देखिए उसकी थीम पूछ लेगा, थीम मतलब विषय वस्तु क्या है, तो आपको पूरी पोएम में जो बात है वो सब उसका सार टाइप का लिखना है, उससे क्या लेसन क्या शिक्षा मिलती है, तो भी वही बात आ गई, इससे मतलब क्या उसके अंदर क्या मैसेज है, क्या संदेश है, मतलब उसका निष्कर्ष क्या है, उसमें क्या बात बताई गई, क्या मॉरल है उसका, और अथवा उसकी समरी क्या है, समरी का भी कभी कभार आता है। और फिर मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही आएंगे, पर ज्यादातर ये आते हैं। इसके अलावा वैसे भी उसमें जो घटनाक्रम के अगर कोई पोयम है तो उसमें से भी क्वेश्चन निकल सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, के आंसर में भी जिस तरह से आपने अभी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में पोएट का नाम लिखा था ना, कि पोएट का नाम ये है, उसी तरह से जैसे आप क्वेश्चन आंसर शुरू करें तो ध्यान रखना जो भी उसका पोएट है उसके नेम को आप मेंशन कर दें, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और आपको सभी पोएम्स के जो पोएट है उनके नेम तो याद करने ही है, ठीक है, इसमें आप सॉरी मैं भूल गया,
पोयम का भी नाम लिख दो ना, इन द पोयम कविता में, द पोएट जैसे अभी मैंने बताया था, इन द पोयम माई मदर एट 66, द पोएट कमला दास टेल्स बताती है या डेपिक्स वर्णन करती है, फिर जो जो बात है उसका आप प्रत्येक पोयम का एक भी आंसर याद कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगाए तो, थीम का, मैसेज का, लेसन का, लगभग एक ही क्वेश्चन होता है, वही दो चार, ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है पोयम, और एक ही आंसर बनाया जा सकता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक 15 डेज इंग्लिश क्रैश कोर्स मैंने शुरू किया था, उसका मुझे लगता है शायद आज मैं शुरू में बताना भूल गया था, डेट 12 है, आज 12वां दिन है, और पिछली 11 क्लासेज में हमने कंपोजिशन में, ग्रामर में काफी चीजों को निपटा दिया है, जैसे लेटर का फिक्स फॉर्मूला, फिक्स लाइंस क्या है, इनफॉर्मल लेटर की फिक्स लाइंस क्या है, और इंग्लिश में पास होने का क्या ट्रिक है, यदि आप इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके लिए आप कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, सारी बातें हमने कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, बेल आइकन में ऑल वाला, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।